हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक टमाटर के ऊपर है। मैं टमाटर के ऊपर डिटेल वीडियो बना रही हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि बीज से लेकर हार्वेस्टिंग तक टमाटर के बारे में जानकारी दूंगी और उसमें कौन कौन सी खाद डालें, क्या कैसे टमाटर की पौधे की केयर करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टमाटर के पौधे में हैवी फ्रूटिंग पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है अच्छे बीजों का होना। अच्छे बीज होंगे तो हमें अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। तो इन बीजों का सिलेक्शन हम कहाँ से करें और कैसे करें? अच्छे बीजों के लिए हमें किसी लोकल नर्सरी पे कांटेक्ट करके उनसे बीजें ले सकते हैं हम। और जो बिगनर्स हैं वो चाहें, अगर चाहें तो वो जो घर में टमाटर होते हैं जो कि ज़्यादा सड़ जाते हैं, ओवर राइप टमाटर होते हैं, उससे भी टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर को जो सड़ा हुआ टमाटर होता है, अगर आप उसको मिट्टी में डाल देंगे तो उसमें से भी पौधे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस टाइप की फ्रूटिंग चाहिए जैसे कि मेरे घर में हो रही है, देखिए मेरा पौधा टमाटर से लदा हुआ है पूरा, तो उसके लिए आपको ये देखिए, उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी की सीड लेने होंगे जो आपको अमेजोन से मिल जाएंगे या बहुत सारे ऐसे गार्डनर्स हैं जो कि इन सीड्स को सेल करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे ले सकते हैं। अब टमाटर के बीज दो टाइप के होते हैं, एक इनडिटर्मिनेट होते हैं और एक डिटर्मिनेट होते हैं। जो इनडिटर्मिनेट होते हैं वो पूरे सीजन फल देते हैं, यानी कि वो अगर आप अक्टूबर में लगाते हैं तो अक्टूबर से लेके मार्च तक वो आपको फ्रूटिंग करते रहेंगे। और जो डिटर्मिनेट टमाटो के बीज होते हैं वो जैसे आपने एक बार कोई पौधा लगाया और वो फल देगा और वो पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास जो टमाटोज़ हैं वो इनडिटर्मिनेट टमाटोज़ हैं। इन टमाटर के पौधों में देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है और साथ साथ फ्रूटिंग भी हो रही है, तो इसी वजह से इसको इनडिटर्मिनेट टमाटोज़ का नाम दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये मुझे पूरा सीज़न ये टमाटर के पौधे मुझे फल देंगे, ये देखिए। तो टमाटर के बीजों को मैंने इस तरीके से जो छाई में रखा हुआ मेरा एक इलायची का पौधा है उसके बॉटम में नीचे मैंने यहाँ पर टमाटर के पौधों को तैयार किया है और कुछ मैंने क्रेट में तैयार किया है। जब ये टमाटर के पौधे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, यानी कि 3 से 4 पत्तियाँ इसमें आ जाएंगी, तो इन टमाटर के पौधों को मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। टमाटर के पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जैसे टमाटर के पौधे में आप ये जो रेशे देख रहे हैं वाइट वाइट से, ये मिट्टी का सरफेस मेरा इधर है और ये थोड़ा ऊंचा करके मैंने लगाया है, जिससे कि मेरे जब ये जो वाइट वाइट है ये इसकी रूट, देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए वाइट वाइट, ये जो वाइट वाइट है ये इसकी रूट्स हैं। जब मैं इसकी मिट्टी थोड़ी ऊपर करके चढ़ाऊंगी तो इसकी जो ये जो मेन स्टेम है वो स्ट्रांग बनेगी और ये जो इसकी रूट है वो अच्छी डेवलप होगी, जिससे कि मुझे हैवी फ्रूटिंग मिलेगी। और टमाटर के पौधे की जो जितनी भी लोअर लीव्स हैं, देखिए जैसे मैंने ये हटा रखी हैं, इन लीव्स को सबको हमें रिमूव कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसको इसको भी इसकी मिट्टी में जैसे ऊपर चढ़ा रखी है, तो आपको इसी देखिए यहाँ पर भी देखिए, तो आपको मिट्टी को ऊपर चढ़ाना है और किसी भी स्टिक का या जैसे मैंने इसको धागे का सहारा दे के इसको मैं नेट तक ले जाऊंगी, तो इसको किसी न किसी चीज़ का सहारा देना है हमें। ये देखिए ये मेरे टमाटर का पौधा करीबन 4 फीट का पौधा है और उसको मैंने इधर एक स्टिक का सहारा दे के रखा है, क्योंकि जो इसकी टेंड्रिल्स होती है वो इतनी डेलिकेट होती हैं कि जब इसमें फ्रूटिंग होती है तो उसके फ्रूट के वेट को ये जो डंडियाँ होती हैं, इनकी स्टेम्स होती हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो इसको तो टमाटर के पौधे को स्टिफ रखने के लिए उसे सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। टमाटर के अंदर हैवी फ्रूटिंग पाने के लिए हमें हर 15 दिनों में वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना है या किचन वेस्ट कंपोस्ट का यूज़ करना है, क्योंकि टमाटर जो होता है वो एक हैवी फीडर होता है, उसे हर 15 दिन में खाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फ्लावरिंग भी कर रहा होता है साथ साथ वो फ्रूटिंग भी कर रहा होता है। टमाटर के पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है और कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से कई बार जो टमाटर के नीचे जो बेस होता है यहाँ पर, यहाँ ब्लैक हो जाता है या टमाटर क्रैक हो जाता है। तो वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो तो हर 10 से 15 दिनों के अंदर टमाटर के पौधे के अंदर चूने का स्प्रे करें। वो चूना जो एक पान वाले के पास मिलता है, आप एक मटर के दाने जितना चूना लीजिए, 1 लीटर पानी में घोलिए और उसको अपने गमले के
में सॉइल एप्लीकेशन कीजिए और इसके इसको आप कम ज़्यादा अपने गमले के साइज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बता रही हूँ जो जैसे कि जो टमाटो का जो बेस है वो ब्लैक हो जाता है, उससे उसी को हम ब्लॉसम एंड रॉट का डिजीज कहते हैं टमाटोज के अंदर। काफी बार देखा गया है कि टमाटर के अंदर वो हो जाता है, उसके लिए चूने का छिड़काव करें और कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी रखें तो ये प्रॉब्लम टमाटर के पौधे में नहीं आएगी। टमाटर के पौधे में कई बार फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम आती है, तो वो रीज़न होता है इरेगुलर वाटरिंग। अगर आप पानी को इरेगुलर तरीके से डालते हैं, यानी कि कभी मिट्टी सूखी है तो आपने खूब सारा पानी एक साथ डाल दिया, या मिट्टी को बहुत दिनों तक सूखा रखा, तो उससे फ्लावर जो होता है टमाटर का वो ड्रॉप हो जाता है, यानी कि झड़ जाता है। तो आपको पानी को रेगुलर तरीके से डालना है, यानी कि आपको पानी के को का जो मॉइस्चर है मिट्टी में वो मेंटेन करके रखना है। देखिए जैसे यहाँ मेरी मिट्टी ये मैंने मॉइस्ट रखी है, ना ज़्यादा गीली है ना ज़्यादा सूखी है। तो इस तरीके की मिट्टी अगर आप रखेंगे तो आपका जो टमाटर का फ्लावर है वो ड्रॉप नहीं होगा और वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो इस जिस तरीके से मैं अपने टमाटर के पौधों की केयर करती हूँ वो सब मैंने आपसे डिस्कस किया, कौन कौन सी डिजीज़ लगती हैं, उसका क्या सलूशन है, कैसे कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं और कब कब डालने हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको सबको बताया। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने बीज लगाने से लेके हार्वेस्ट तक के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो और आपको ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।